आज 21 राजनीतिक दलों की साझा बैठक में 14 फरवरी 2019 के पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवादी हमले की एक स्वर से कड़ी भर्त्सना की गई। सभी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई में हमारे सशस्त्र बलों व सेना के साथ एकजुटता का संकल्प दोहराया। 21 दलों की संयुक्त बैठक में सभी नेताओं ने 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के आतंकवादी ठिकाने पर किए गए हमले की प्रशंसा करते हुए तीनों सेनाओं के साहस और बहादुरी की सराहना की। सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हमारे जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने पर सभी नेताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थान दलों की राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि से ऊंचा है। वह इसमें राजनीतिक लक्ष्यों की इच्छा पूर्ति का कोई स्थान नहीं हो सकता। पुलवामा हमले के बाद सर्वदलीय बैठक न बुलाने के प्रधानमंत्री के निराशाजनक व्यवहार पर सभी नेताओं ने खेद व्यक्त किया, क्योंकि यह हमारे प्रजातंत्र की स्थापित परिपाटी के विरुद्ध है। नेताओं ने मौजूदा सुरक्षा हालात पर भी गहन चिंता व्यक्त की। सभी राजनीतिक दलों ने आज हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा जारी उस बयान का संज्ञान लिया, जिसमें पाकिस्तान द्वारा हमारे सैन्य ठिकानों पर आक्रमण व एक लड़ाकू जहाज की क्षति की चर्चा की गई है। सभी नेताओं ने पुरजोर तरीके से पाकिस्तानी दुस्साहस की कड़ी निंदा की। वे हमारे वायुसेना के पायलट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। 21 राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने सरकार से आह्वान किया कि भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले हर कदम पर राष्ट्र को विश्वास मिले। धन्यवाद। आज 21 राजनीतिक दलों की साझा बैठक में 14 फरवरी 2019 के पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवादी हमले की एक स्वर से कड़ी भर्त्सना की गई। सभी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई में हमारे सशस्त्र बलों व सेना के साथ एकजुटता का संकल्प दोहराया। 21 दलों की संयुक्त बैठक में सभी नेताओं ने 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के आतंकवादी ठिकाने पर किए गए हमले की प्रशंसा करते हुए तीनों सेनाओं के साहस और बहादुरी की सराहना की। सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हमारे जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने पर सभी नेताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थान दलों की राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि से ऊंचा है। वह इसमें राजनीतिक लक्ष्यों की इच्छा पूर्ति का कोई स्थान नहीं हो सकता। पुलवामा हमले के बाद सर्वदलीय बैठक न बुलाने के प्रधानमंत्री के निराशाजनक व्यवहार पर सभी नेताओं ने खेद व्यक्त किया, क्योंकि यह हमारे प्रजातंत्र की स्थापित परिपाटी के विरुद्ध है। नेताओं ने मौजूदा सुरक्षा हालात पर भी गहन चिंता व्यक्त की। सभी राजनीतिक दलों ने आज हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा जारी उस बयान का संज्ञान लिया, जिसमें पाकिस्तान द्वारा हमारे सैन्य ठिकानों पर आक्रमण व एक लड़ाकू जहाज की क्षति की चर्चा की गई है। सभी नेताओं ने पुरजोर तरीके से पाकिस्तानी दुस्साहस की कड़ी निंदा की। वे हमारे वायुसेना के पायलट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। 21 राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने सरकार से आह्वान किया कि भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले हर कदम पर राष्ट्र को विश्वास मिले। धन्यवाद।